पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। आज मेरे लिए मिठाई तो लाई होगी। पिताजी, पिताजी, आपने मिठाई लाई क्या? ये माफ करना बेटा, मैं आज भी नकलिया ज्यादा पैसों में नहीं बेच पाया, उल्टा मुझे कम पैसे मिले और मैं खाने का सामान भी पूरा नहीं ला पाया। तुम चिंता मत करो बेटा, कल मैं सुबह और जल्दी जाऊंगा और ज्यादा लकड़े लाऊंगा, फिर तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम रोज ऐसा ही कहते हो। रमेश एक बड़ा नेक दिल और ईमानदार लकड़हारा है। रमेश के परिवार में किसी ने मिठाई नहीं खाई है। पैसे कम होने के कारण वे कैसे वैसे दो वक्त का खाना खा पाते हैं। 3 बज गए, चलो जंगल जाना है। आज तो मैं बड़े जंगल जाता हूँ और ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे और मैं रामू के लिए मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। मिठाइयाँ खाने का मन तो मेरा भी है, चलो जाता हूँ। बड़ी ठंड है आज, हे भगवान इस गरीब की सहायता करो। रमेश लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और गांव में बेचने ले जाता है। ज्यादा लकड़ियाँ होने के कारण रमेश से चढ़ना भी नहीं होता। हाँ, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बाजार कुछ ही दूर पर है, चलो आ गया। आज सबसे पहले ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, हे भगवान कुछ कृपा करना। लो जी लकड़ियाँ, लो जी सुखी सुखी लकड़ियाँ, ठंड में आपको गर्मी से राहत देने वाली लकड़ियाँ। लकड़ियाँ लेना है जी मुझे? हाँ आइए भाई, आप ही के लिए है। कितने में दी ये लकड़ियाँ भाई? 15 रुपए दो और ले जाओ। क्या 15 रुपए? बाकी लोग 10 रुपए में बेचते हैं, आपकी लकड़ियों में क्या सोना लगा है क्या? नहीं, देखो भाई ये लकड़ियाँ बाकियों की लकड़ियों से दुगना है और सूखी भी है, इसलिए मैं ज्यादा दाम ले रहा हूँ। रहने दो भाई, मैं सिर्फ 5 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है भाई, 5 रुपए में तो मैं भी नहीं दे सकता। ऐसे ही लोग आते हैं और जाते हैं, पर रमेश को 15 रुपए कोई भी नहीं देता। शाम हो जाती है। अब तो शाम भी हो गई, आज तो घर में का खाने पीने का सामान लेने इतने भी पैसे नहीं है। सुनो भाई, लकड़ियाँ बेचोगे क्या? हाँ भाई, 15 रुपए की है पूरी गट्ठी। क्या 15 रुपए? नहीं, सारे लकड़ी वाले चले गए, इसलिए मैं तुम्हें 6 रुपए देता हूँ, अन्यथा मैं 5 रुपए में ही ले जाता हूँ। 6 रुपए में कम से कम आज रात का खाने का सामान तो खरीद पाऊंगा, दे देता हूँ इसी 6 रुपए में। ठीक है भाई, ले जाइए 6 रुपए में। रमेश आज भी मिठाई नहीं खरीद पाता और उदास होकर घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमेश का बेटा रमेश से कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं समझ गया, हम बहुत गरीब है इसलिए मिठाई हमारे नसीब में नहीं है। हे भगवान क्या जिंदगी है, थोड़ी मिठाई भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। नहीं, एक दिन मैं मेरी लकड़ियाँ ज्यादा पैसे में जरूर बेचूंगा और मैं मिठाई जरूर खरीदूंगा, कल मैं और ज्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा। रमेश दूसरे दिन सुबह जंगल जाता है और लकड़ियाँ इकट्ठा कर वापस आने निकलता है। तभी उसे
किसी की रोने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? कौन रो रहा है? लगता है कोई संकट में है। चलो देखता हूँ। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? आपको तो बड़ी ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मुझे ठंड लग रही है और बुखार भी है। हो सके तो थोड़ी लकड़ियाँ दो ताकि मैं आग जलाकर ठंड दूर कर पाऊँ। हाँ बाबा जरूर, मैं अभी आपके लिए आग जला देता हूँ। ये लो बाबा, और अब मुझे बताइए मैं आपका बुखार दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए और लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर घर चले जाइए। नहीं बाबा, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। ठीक है, उस पहाड़ के ऊपर में पीले फल का पेड़ है, उसका फल लेकर आओ, जिसे खाकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं अभी लेकर आता हूँ। हे भगवान, कितना बड़ा पहाड़ है, पर मुझे तो चढ़ना ही होगा। हाँ ये फल है, लेकर बाबा को दे आता हूँ। ये लो बाबा, आपका फल। बाबा फल लेते हैं और उसे खा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे अब स्वस्थ महसूस हो रहा है। मुझे आपको स्वस्थ देखकर बड़ी खुशी हो रही है बाबा। पर इस खुशी के बीच मुझे आपके चेहरे पर चिंता क्यों दिख रही है बेटा? बाबा, वो मेरी लकड़ियाँ बहुत कम दाम में बिकती है। रमेश बाबा को सारी कहानी बताता है, तभी बाबा रमेश से कहते हैं, तुमने इस वनवासी की मदद की है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें ये मटका देता हूँ, इस मटके को आप जो भी मिठाई मांगोगे वह तुम्हें इसमें मिल जाएगी, पर याद रखना कभी भी लालच मत करना। तुम मिठाइयाँ खाना और उन्हें बेचकर मिठाइयों का दुकान खोलना। बाबा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद बाबा। रमेश उस मटके को लेकर घर आ जाता है, तभी रमेश की पत्नी रमेश को देखकर कहती है, अरे ये क्या मटका लेके आए हो जी? आज खाने पीने का सामान नहीं लाए हो क्या? अरे लक्ष्मी, ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है जो मुझे जंगल वाले बाबा ने दिया है। तुम पहले रामू को बुलाओ, सबसे पहले मैं उसके लिए मिठाई मांगूंगा। सच में मैं अभी रामू को बुलाती हूँ। रामू बेटा, रामू आया। माँ बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी मिठाई खानी है? क्यों मजाक कर रहे हो पिताजी, मुझे पता है हम नहीं खरीद पाएंगे। बेटा तुम बताओ तो। मुझे मीठे वाले बूंदी के लड्डू चाहिए। हे जादुई मटके, मुझे कुछ मीठे बूंदी के लड्डू दो। अरे वाह वाह वाह, बूंदी के लड्डू बन गए। ये लो बेटा, जितना मन है उतने खाओ। फिर रमेश तरह तरह की मिठाइयाँ उस मटके से निकालता है और वे लोग जी भर कर मिठाई खाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई है लक्ष्मी, अब हम मिठाई की दुकान लगाएंगे और मिठाइयाँ बेचेंगे। रमेश मिठाई की दुकान लगाता है और मटके से मिठाई निकाल कर बेचता है। रमेश की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट और मीठी होने के कारण लोगों को बहुत पसंद आती है। इस तरह से एक ईमानदार लकड़हारा की जिंदगी बदल जाती है।